सुप्रभात बच्चों, आज हम शेमुशी प्रथम भाग नवम कक्षा संस्कृत पाठ पुस्तक के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं, पाठ तृतीया गोदोहनम, गाय का दोहन चतुर्व्यूहम से ये नाटक है। इसके बच्चों मैंने आपको प्रथम दृश्यम, द्वितीय दृश्यम, तृतीय दृश्यम, चतुर्दशम ये बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिया, जिसमें आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा उसमें कि जो मल्लिका है नंदिनी गाय की वो लोग सेवा करते हैं और चंदन दोनों मिलकर के, ठीक है। अब इसके आगे पंचम दृश्यम में क्या होता है, इसके आगे के नाटक को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए तो जैसे कि आप बच्चों इसमें देख रहे हैं पंचम दृश्यम, मासानांतरम संध्या कालह एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, दूध क्रेतारह अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः। महीने भर बाद, मासांतरम मैंने महीने भर बाद है ना, तो शाम का समय यहाँ पर ये पंचम दृश्य में बताया गया। पहले हम इसको पहले संस्कृत का पढ़ लेते हैं, शब्दार्थ समझ लेते हैं, फिर हम आपको इसका अनुवाद समझाएंगे। चंदना धैनु प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आहयति मल्लिके सत्वरम आगच्छ। मल्लिका आयामी नाथ दोहनम आर भस्व तातः। चंदना क्या कहता है, यदा धैनु समीपम गत्वा दोग्धुग्धुम इक्षति तदा धेनु पृष्ठपादीन प्रहति, प्रहति माने मारना, चंदनंच पात्रेण सह पतति, गिर गया। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम दे पुनः प्रयासम करोति, नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारे ताडित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। हा हतोस्मि चीत्कारम पूर्वम पतति सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति। शब्दार्थ समझते हैं बच्चों, रिक्ता खाली यानी शून्य, दुग्ध क्रेतारा दूध खरीदने वाले, दूध क्रिये का अपरत्र दूसरी तरफ यानी अन्यत्र, आसीना बैठे हैं, उपविष्टा प्रणम्य प्रणाम करके, जल्दी शीघ्रम आयामी आती हूँ, आगच्छामि आती हूँ यानी आगच्छामि, आरभस्व आरंभ करो, आरंभम कुरु, दुग्धम यानी दुहना, दुग्धम निष्कासितुम पृष्ठपादेन पीछे के पैर से, पश्चात चरणेन, पतिति गिरता है, निपतति जातम हो गया, अभवत ते जातम हो गया, अभवत ते तुम्हें, त्वाम ताडित्वा मारकर ताडनम कृत्वा, रक्त रंजितम खून से सना लहूलुहान, शोणिता प्लावितम हतोस्मी मर गया, अन्योन्यम आपस में एक दूसरे को परस्परम। पांचवें दृश्य में क्या होता है, क्योंकि उनसे सभी क्या मांग रहे हैं, दूध चाहिए होता है, तो अब इसके बाद पांचवें दृश्य में क्या हो गया कि महीने भर बाद, मासांतरम संध्या काल है, महीने भर बाद शाम का समय है ना, एक तरफ खाली नए घड़े हैं और दूसरी तरफ दूध खरीदने वाले और ग्रामवासी बैठे, क्योंकि सब दूध लेने के लिए आए हैं, और जो चंदन मल्लिका कुम्हार के घर से घड़े खरीद करके लाते हैं तो वो भी खाली घड़े रखे हुए हैं। चंदन क्या कहता है, गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण पूजा करके मल्लिका को बुलाता है, मल्लिका जल्दी आओ, मल्लिका क्या बोलती है, आती हूँ आयामी नाथ, आती हूँ स्वामी, तब तक दोहना आरंभ करो, दोहनम आरभस्म तावत है ना, इस प्रकार से आरंभ करो, मैं आती हूँ। चंदन क्या कहता है, यदा धेनु समीपम गत्वा दोग्धुम इक्षति, जब गाय के पास पहुंचकर
इस प्रकार जब मल्लिका ने चंदन से कहा है ना, आर भस्व तावतन आरंभ करो, चंदन क्या करता है जब गाय के पास जाकर दोहना चाहता है तभी गाय पीछे के पैर से पृष्ठपादेन यानी पीछे के पैर से प्रहार करती है और चंदन बर्तन के साथ क्या हो जाता है, गिर जाता है। नंदिनी दूध दो तुम्हें क्या हो गया है, इस प्रकार से बोलता है, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से मार कर चंदन को खून से सना कर देती, मतलब खून से लहूलुहान कर देती चंदन को। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, चिल्लाता है चंदन है ना, रक्त रंजित्रम करोती, हा हतोस्मी चीत्कारम कुर्वम पतति, चिल्लाता हुआ गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन की ओर क्या करने लगते हैं, देखने लगते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों आप पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चंदन है और मल्लिका है, तो जैसे ही नंदिनी गाय को दोहने के लिए चंदन आगे पात्र करता है, तो वैसे ही आप देख रहे हैं पिक्चर में कि वो पीछे के पैर से चंदन को क्या प्रष्ट पा दें, पीछे के पैर से चंदन को पैर मारती है और चंदन क्या होता है, गिर जाता है। वहाँ ग्रामवासी भी खड़े हुए हैं, सभी खड़े हुए हैं क्योंकि सब दूध लेने के लिए आए हैं, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। मल्लिका चीत्कारं श्रुत्वा झटति प्रविश्य, नाथ किं जातम कथम त्वं रक्त रंजिता, क्या हो गया, मतलब पूछती है चंदना, धैनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, दोहम प्रक्रियाम आर भणानम एव ताड्यति माम, दोहन प्रक्रियाम आरवमाणम एव ताड्यति माम। मल्लिका धैनु स्नेहन वात्सल्येन च आकार दोग्धम प्रयतते, किंतु धैनु दुग्धहीना एविति अवगच्छति। मल्लिका चंदनम प्रति नाथ अत्युन अनुचितम कृतम आवाभ्यम यत् मास पर्यंतम धैनोः दोहनम न कृतम सापीडम अनुभवति, सापीडम अनुभवति अतएव ताड्यति। चंदनम देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत् पूर्ण मास पर्यन्तम् दोहनम् न कृतम् अतेव दुग्धम् शुष्कम् जातम् सुज्ञः सत्यमेव उक्तम् कार्यमद्य तयनीयम् यत् तद्देव विधीयताम् विपरीते गतिर्यस्य सा कष्टम् लभते ध्रुवम्। अन्वया यत् अद्यतनीयं कार्यं तत् अद्यैव विधीयतां, यस्य गति विपरीते अस्ति सा ध्रुवं कष्टं लभते। शब्दार्थ समझिए, श्रुत्वा सुनकर, श्रवणं कृत्वा, अनुमतिं अनुमति यानी आज्ञा, झटति जल्दी से शीघ्रं, आर आरभ माणम प्रारंभ करते, प्रारंभम कुर्वाणम अकार्य पुकार कर, आह्वानम कृत्वा प्रयतते प्रयास करती, प्रयत्नम करोती, अवगच्छति जान जाती है, जानाति अत्यनु अचितम बहुत ही गलत, अति अयुक्तम शुष्कम सूखा, नीरसम अद्यतनीयम आज के, अद्यतनस्य विधीयताम करना चाहिए, करणीय, ध्रुवम निश्चित रूप से निश्चितम। चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। जैसे कि कहा मल्लिका ने चीख को, जब चंदन की चीख को सुनती है तो वह जल्दी से प्रवेश करके स्वामी क्या हुआ,
तुम कैसे लहू लुहान हो गए? ये मल्लिका चंदन से पूछती। चंदन क्या बोलता है? गाय दोहने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहने की प्रक्रिया प्रारंभ करते ही मुझे क्या कर रही? जैसे ही मैं गाय को दोहने जाता हूं, गाय मुझे मार रही है। तो मल्लिका गाय को स्नेह ममता से पुकार कर, वो कहती है कि बहुत ही अच्छे से स्नेह से पुकार कर, पुचकार कर दोहने का प्रयास करती है। किंतु गाय बिना दूध वाली है, यह मल्लिका क्या करती है? जान जाती है। मल्लिका जान जाती है कि गाय जो है दूध नहीं है, तो यह मल्लिका को ज्ञात हो जाता है। मल्लिका चंदन से क्या कहती है? स्वामी, हमने बहुत ही गलत किया, अनुचितम यानी हमने बहुत ही गलत किया है कि महीने भर गाय को दोहना ही नहीं किया। वह कष्ट अनुभव कर रही है, इसलिए स्वामी वह मार रही है। ऐसा मल्लिका किससे कहती है? चंदन से कह रही है। चंदन क्या कहता है? देवी, मैं भी क्या हो गया हूं, मैं भी जान गया हूं कि हमने बहुत ही गलत किया है। क्या गलत किया है? कि पूरे महीने भर दूध दोहा ही नहीं है, इसलिए ही दूध सूख गया है। सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? कि आज के काम को आज करना चाहिए, जिसके क्रियाकलाप इसके विपरीत होते हैं वह निश्चित रूप से कष्ट पाते। आज के काम को आज ही करना चाहिए, जिसके क्रियाकलाप इसके विपरीत होते हैं वह निश्चित रूप से कष्ट पाते हैं। इस प्रकार चंदन ने मल्लिका से कहा। मल्लिका, आम भर्ता सत्यमेव मयापि पठितं यत् सुविचार विधातव्यं कार्यं कल्याण कांक्षिका यह करोत्य विचारी तेतत् यह करोत्य विचार्ये तत् सह विषीदति मानवः। किंतु प्रत्यक्ष तया अद्य एव अनुभूतम् एतत्। सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम् यह एवं न करोति सह कष्टम् लभते ध्रुवम्। जवनिका पतनम्। सर्वे मिलित्वा गायन्ति आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्र परिक्रिय मानस्य काला प्रवृत्ति तद्रसम। आदानस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्र मणि क्रियमाणस्य काला प्रवृत्ति तद्रसम। क्षिप्र मणि मक्रिय क्षिप्रम क्रियमाणस्य क्षिप्रम क्रियमाणस्य पिबति, वो किसके समान होता है? चलिए इसको हम समझते हैं। अन्वय समझिए। कल्याण कांक्षणा कार्यम सुविचार एव विधातव्यम या मानवा एतत् अविचार करोति सह विषीदति। क्षिप्रम अक्रिय मानस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा तद्दृशं काला पिबति। शब्दार्थ आम माने हाँ, ओम। कल्याण कांक्षणा यानी कल्याण चाहने वाले के द्वारा, कल्याण छुके सुविचार अच्छी तरह सुविचार करके सम्यक प्रकारेण विचारण कृत्वा विधातव्यम करना चाहिए करणीयम विषीदति दुखी होता है। दुखम आपनोति ध्रुवम निश्चित रूप से निश्चितम। जवनिका पर्दा यवनिका क्षिप्रम यानी शीघ्रम द्रुतम तद्रसम उसका रस तद्रसम काला समय समय। अनुवाद समझिए। हाँ स्वामी, सच ही है। मैंने पढ़ा है कि कल्याण चाहने वाले के द्वारा कार्य को अच्छी तरह सोच विचार करके ही करना चाहिए। जो मनुष्य काम को बिना विचारे करता है वह दुखी होता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही यह अनुभव किया है। सभी दिन का काम
सभी दिन का काम उसी दिन करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह निश्चित रूप से कष्ट पाता, पर्दा गिरता है। सब मिलकर गाते हैं, क्या गाता है, क्या सब मिलकर गाते हैं, लेना देना और करने योग्य कार्य यदि तुरंत नहीं किए जाते हैं तो उस समय उसका रस पी जाता, अर्थात रस पी जाना यानी रस पी जाने से नहीं होता, अर्थात समय उसका मजा क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। इसलिए जो कार्य करना है, लेना देना, जो भी कुछ करने योग्य जो भी कार्य, समय के अनुरूप ही करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों यहाँ पर मैंने आपको ये गोधनम पाठ का आपको पांचवा दृश्यम है इसको मैंने आपको पढ़ाया समझाया। इसके प्रश्न उत्तर आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। और बच्चों आप लोगों ने कॉपी रजिस्टर जो भी बनाया है तो उसमें बहुत अच्छे से आप लिखते जाइए, समझ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए इसको आप, और जो मैं प्रश्न उत्तर जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसको भी आप कॉपी में नोट करते जाइए। धन्यवाद।